सोलन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल चौहान ने की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य सहित निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी का मुद्दा भी शामिल रहा। सोलन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में जिला के लगभग सभी अधिकारी मौजूद रहे और अपने अपने संबंधित विभाग की समस्याओं को सुना। बैठक में सबसे अधिक निजी स्कूलों की मनमानी व निजी टैक्सियों एवं गाड़ियों में बच्चों को स्कूल लाने व जाने पर चर्चा हुई। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल चौहान ने बताया कि बैठक में जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई और सभी अधिकारियों को इन मुद्दों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जब जिला के आरटीओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे निजी स्कूलों की गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए चालान कर रहे हैं, कि सभी स्कूलों में एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर होना जरूरी है। जब उनसे पूछा गया कि कितने स्कूलों में आज तक ट्रांसपोर्ट मैनेजर हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी तक वो लोग अवगत नहीं थे। उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और जो लोग ट्रांसपोर्ट मैनेजर प्रॉपर सभी स्कूल जो नहीं रखेंगे 20 दिन के अंदर उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस पे पूरा सदन चाहता है कि इस पे प्रॉपर कार्रवाई हो। बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो कड़े निर्देश दिए गए कि स्कूल, जो भी स्कूल एक्स्ट्रा फीस या चार्जेस कर रहे हैं, उनके प्रति भी कड़ा संज्ञान लिया गया और आगे के लिए ट्रांसपोर्ट नीति में सुधार के लिए सभी को निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।